हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक प्रोग्रामिंग चैनल। गाइस मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने HTML पेज पर, अपने वेब पेज पर किसी वीडियो को कैसे लगा सकते हो। ये वीडियो का पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट में मैं आपको वीडियो प्रैक्टिकली लगा के बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ थियेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको पहले पता होने चाहिए ताकि आप वीडियो लगा सको अपनी वेब पेज पर। तो सबसे पहले हम लोग दो टैग्स देखेंगे। पहला है हमारा वीडियो टैग और फिर है सोर्स टैग। ये दोनों टैग्स मिलकर आपके वेब पेज पर वीडियो लगाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो टैग की बात करते हैं। वीडियो टैग क्या करता है? वीडियो टैग एक सेक्शन देता है आपको और वीडियो टैग एक ऐसा सेक्शन देगा जिसमें आप कोई भी वीडियो क्लिप लगा सकते हो, कोई भी वीडियो की क्लिप आपके पास लोकल से लगा सकते हो या फिर किसी वीडियो का लिंक दे सकते हो। जैसे आपको किसी यूट्यूब के वीडियो का लिंक दे सकते हो तो वो भी वहाँ पर रन हो जाएगा। और जब आप वीडियो टैग यूज़ करते हो तो वीडियो टैग के अंदर सोर्स नाम का एक टैग होता है जिसको आपको यूज़ करना होता है इन ऑर्डर टू गिव द सोर्स। मतलब आप जब वीडियो टैग यूज़ करोगे उसके अंदर एक सोर्स टैग होगा जिसमें आपको सोर्स देना है, एक्चुअली वीडियो टैग के अंदर आपको नहीं देना है। जैसे आपने देखा इमेज टैग के अंदर हम लोग इमेज टैग के अंदर ही सोर्स दे देते हैं, बट वीडियो टैग में आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। वीडियो टैग के अंदर सोर्स नाम का एक टैग और उस सोर्स टैग के अंदर आपको SRC से सोर्स देना पड़ता है ताकि आपका वीडियो उस पेज पर लग जाए। जैसे आप इमेज में सोर्स देते हो उसी तरीके से बट टैग के अंदर सोर्स देना पड़ता है। तो ये हमारा सोर्स टैग। और जो वीडियो टैग है वो क्या करेगा आपके लिए, वीडियो जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखे होंगे, वेब पेजेस पे देखे होंगे, वीडियो के लिए आपका एक बॉर्डर बना के दे देगा, वीडियो के लिए एक पूरा सेक्शन बना के दे देगा जिसमें आप और भी सारी चीज़ें लगा सकते हो। जैसे कंट्रोल्स लगा सकते हो, मैं अभी बताऊंगा आपको कंट्रोल्स लगाने के लिए आपको कौन से एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से वीडियो और सोर्स दोनों टैग साथ में मिलकर काम करते हैं आपका वीडियो टैग एम्बेड करवाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं जो वीडियो टैग सपोर्ट करता है। मेजर फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और कौन कौन से ब्राउजर्स में सपोर्टेड है, कौन से में नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हो कि MP4, WebM और OGG, ये तीन फॉर्मेट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और साइड में मैंने यहाँ पर वर्टिकली ब्राउजर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो एज ब्राउजर है वो MP4 को ही सपोर्ट करता है, क्रोम जो है वो तीनों को, MP4, WebM और OGG सबको सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स भी तीनों को सपोर्ट करता है, सफारी जो है वो सिर्फ MP4 को सपोर्ट करता है और ओपेरा सभी को सपोर्ट करता है। मतलब दो ऐसे ब्राउजर्स हैं जो WebM और OGG इनको सपोर्ट नहीं करते। एक तो पहला है एज और दूसरा है सफारी जो एप्पल में यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ब्राउजर्स जब सपोर्ट नहीं करते हैं तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जो हमारा वीडियो है वो हर फॉर्मेट में देना पड़ता है। MP4 में भी देना पड़ता है, WebM में भी देना पड़ता है और OGG में भी देना पड़ता है। तो तीनों फॉर्मेट में हम वीडियो देते हैं और तीनों फॉर्मेट में से जो भी फॉर्मेट ब्राउजर को अपने लिए कंपेटेबल लगता है ब्राउजर उस वीडियो को चला देता है। तो तीनों फॉर्मेट आपको देने के लिए क्या करना पड़ता है, सोर्स टैग का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम लोग एक बार सोर्स टैग वीडियो टैग को इसीलिए इस तरीके का बनाया गया कि वीडियो टैग के अंदर सोर्स टैग को आपको यूज़ करना पड़ेगा नेस्टेड। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इसके बारे में। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जो आपको वीडियो टैग और सोर्स टैग के अंदर यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहला है ऑटो प्ले एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू में आप ट्रू फॉल्स दे सकते हो या ऑटो प्ले लिख सकते हो। तो ये जो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, आप किसी वेबसाइट्स पर जाते हो और वेबसाइट पर आप देखते हो जैसे ही आपने वेबसाइट खोली एक वीडियो चालू हो जाता है, प्ले होना चालू हो जाता है, आपने प्ले पॉज कुछ नहीं दबाया, वीडियो अपने आप स्टार्ट हो गया, वो काम होता है ऑटो प्ले से। फिर हमारा कंट्रोल्स जो आप देखते हो, प्ले पॉज, जो वॉल्यूम अप डाउन के जो बटन्स देखते हो आप, वो सारे कंट्रोल्स से आते हैं। मतलब डिफॉल्ट में कोई कंट्रोल नहीं आता, आप दोगे तो आएंगे कंट्रोल्स। फिर बात होती है हाइट की, तो वीडियो की हाइट विड्थ बढ़ाने के लिए आपको हाइट और सबसे नीचे जो मैंने विड्थ लिखा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हो, हाइट और विड्थ, वीडियो की हाइट विड्थ बढ़ाने के लिए। फिर है लूप, वीडियो को आप लूप में चलाना चाहते हो, वीडियो बंद हुआ फिर से चालू हो जाए, बंद हुआ फिर से चालू हो जाए, इस तरीके से आप लूप का यूज़ कर सकते हो। फिर है म्यूटेड, आप चाहते हो कि सपोज वीडियो तो प्ले होना शुरू हो जाए बट आवाज़ ना आए उस वीडियो की, तब आप म्यूटेड का यूज़ कर सकते हो। फिर आता है आपका पोस्टर। पोस्टर क्या करता है, सपोज आप चाहते हो कि कोई वीडियो लोड हो, कोई वीडियो प्ले पर क्लिक हो, उससे पहले कोई एक इमेज दिखे उस वीडियो के रिलेटेड और जब क्लिक करे तभी प्ले हो। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा एक थंबनेल दिखता है, इस वीडियो का भी कोई आपको एक थंबनेल दिखेगा जब आप पॉज पर क्लिक कर दोगे, जब आप प्ले पर क्लिक करोगे तो वीडियो शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक पोस्टर लगाना हो तो भी आप लगा सकते हो। फिर आपका प्रीलोड क्या करता है कि सपोज किसी ने वेब पेज खोल लिया, ओके, और वेब पेज खोल के उसने प्ले पर क्लिक नहीं किया, फिर भी आपका वीडियो पीछे पूरा की पूरा लोड होकर आ जाएगा। जब भी आप प्ले पर क्लिक करोगे बिना बफर हुए वीडियो पूरा लोड हो जाएगा। तो प्री लोड का मतलब जैसे ही पेज लोड हुआ वीडियो पूरा लोड हो जाता है। और दूसरे केस में क्या होता है,
जब प्ले पर क्लिक करोगे तो वीडियो लोड होगा साथ साथ में और आपका काम चलेगा। उसके बाद है SRC। SRC जो एट्रीब्यूट है वही मेन होता है, उसी के अंदर आप सोर्स देते हो वीडियो का कि कौन सा वीडियो लगाना है और वो कहाँ यूज किया जाता है। वो यूज किया जाता है सोर्स टैग के अंदर, तो वीडियो टैग के अंदर सोर्स टैग जो हम लगाएंगे उसमें उसको यूज किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो टैग और सोर्स टैग यानी वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं इसका आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा तो और इजीली समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।